गुड मॉर्निंग सबको और सबका स्वागत है डी एफ सी सेल एग्जाम प्रिपरेशन क्रैश कोर्स में। तो आज जुमेरे के लाइब्रेरी देखने वाले हैं, ठीक है। नाइन्थ सेशन होने वाला है अपना, पार्ट नाइन होने वाला है। अब तक पार्ट एट जो है आपके प्लेलिस्ट में अपडेट हो चुके हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेश मॉर्निंग से जुमेरे के लाइब्रेरी के साथ। तो उससे पहले जैसे कि हम देखते हैं हमेशा आज का थॉट क्या है, मॉर्निंग थॉट। तो ऑब्वियसली कुछ अगर पाना है तो उसके लिए जलना तो पड़ेगा, राइट। तो इफ़ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन देन यू हैव टू बर्न लाइक अ सन। तो मेहनत भी उतना ही करना पड़ेगा अगर आपको करना है, कुछ पाना है, ठीक है। और अपना टारगेट जो है मेरिट है, तो उसके लिए जलना तो बहुत पड़ेगा क्योंकि मेरिट लिस्ट में आना है। ये टारगेट को ध्यान में रखते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, सपोज़ आपके पास 100 रुपीज़ मैंने दे दिया आपको, ठीक है। कितना? 100 रुपीज़। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे शॉप में, ठीक है, दुकान पर जाओगे, कुछ चीज़ें लेंगे। सपोज़ एक चीज़ है 10 रुपये की, एक चीज़ है 10 रुपये की, तो आपको कितने आएगी क्वांटिटी इसकी, कितनी क्वांटिटी आएगी? 10 क्वांटिटी, ठीक है। 10 क्वांटिटी, सपोज एक चॉकलेट है 10 रुपये का, तो 10 चॉकलेट आप खरीद सकते हो क्योंकि आपके पास है 100 रुपीज़, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, ये चॉकलेट का जो प्राइस है, ओके, ये चॉकलेट का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, तो अभी बढ़ के ये हुआ 20 रुपीज़, ठीक है। तो अभी आप कितने चॉकलेट ले सकते हो? पहले आप 10 रुपये था तो 10 चॉकलेट ले सकते थे, लेकिन अभी 20 रुपीज़ हुआ तो मतलब आपने लिया 5 चॉकलेट, ठीक है। तो इससे अपने को क्या पता चल रहा है कि एक तो आपका जो एक्सपेंडिचर है, खर्च करने की कैपेसिटी है, ठीक है, खर्च करने की कैपेसिटी है वो आपकी सेम है। इधर फर्स्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि मेरा एक्सपेंडिचर जो है मेरा सेम है, ठीक है। अभी इधर क्या हो रहा है, जब प्राइस मेरा बढ़ रहा है, राइट, प्राइस तो बढ़ा 10 to 20 रुपीज़ हो गया, तो आपका जो कंजम्पशन है, ओके, आपका कंजम्पशन मतलब आप ले रहे हो ना, कंज्यूम कर रहे हो उसको, खा रहे हो सपोज, तो कंज्यूम कर रहे हो, तो मतलब आपका जो कंजम्पशन है वो आपका कम हो रहा है, वो इधर देख भी रहा है। पहले आप 10 चॉकलेट लेते थे, अभी आप सिर्फ 5 चॉकलेट ले रहे हो, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आज का, जो स्टार्टिंग कंसेप्ट है अपना, और इससे ही हमें सब एग्जाम्पल सॉल्व करना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सपेंडिचर जब सेम रहेगा, प्राइस इंक्रीज होगा तो कंजम्पशन डिक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली कंजम्पशन ज़्यादा लोगे। अभी ये 10 रुपीज़ का था, अभी इधर 5 रुपये हो गया, ओके, तो आप कितने ले सकते हो? 20 चॉकलेट्स ले सकते हो, 20 चॉकलेट्स, ठीक है। तो इसी के साथ अभी क्वेश्चन देखते हैं इस पर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का, एक मिनट थोड़ा एडजस्ट करने दो इसको। ओके, प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाय 20%, ठीक है, शुगर का प्राइस 20% बढ़ गया, बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रिड्यूस सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज, ठीक है। मतलब वही सेम एग्जाम्पल जो हमने देखा कि मेरा जो खर्च करने की कैपेसिटी है वो सेम ही है, ओके, लेकिन अभी पहले मैं शुगर लेता था, कुछ तो क्वांटिटी लेता था, लेकिन अभी प्राइस बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 20%, ऑब्वियसली सेम पैसे है मेरे पास, तो शुगर अभी कम आएगा, राइट, कितना कम आएगा देखते हैं। तो 20% मतलब मैंने क्या बोला था आपको, 1/5, ठीक है। तो मतलब पहले अगर प्राइस, ओके, इधर लिखूंगा प्राइस, तो पहले अगर प्राइस 5 रुपये था, ओके, तो अभी बढ़ गया है, वो बढ़ गया ना, राइजेस मतलब बढ़ गया है, इंक्रीज, तो अभी 6 हो गया है, ठीक है। अभी जो हमने प्राइस एंड कंजम्पशन का रेशो ये देखा था, रिलेशन देखा था कि मेरा जब प्राइस बढ़ रहा है तो कंजम्पशन घट रहा है, एंड प्राइस जब कम होगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, मतलब मेरा जो प्राइस और कंजम्पशन का जो है रिलेशन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इस तरीके से रिलेशन है। तो सेम मैं अभी इधर अप्लाई करूंगा, तो देखिए इधर मिलता हूँ कंजम्पशन, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए ये 6 जो है इधर लिखूंगा, ये 5 इधर लिखूंगा, ओके, सिंपल। और फिर अभी आप देख सकते हो कि कंजम्पशन कितना कम हुआ, तो पहले मैं कंज्यूम करता था 6, ओके, ये रुपीज़ नहीं है या ये क्वांटिटी नहीं है, जस्ट 6, तो पहले मैं लेता था 6, तब प्राइस 5 था, लेकिन अब प्राइस बढ़ गया तो मैं लेता हूँ 5, दिख रहा है इधर रिडक्शन हो गया है, कम हो गया है, दिख रहा है ना, 6 का 5 हो गया, अभी 5 लेते हैं, ये करंट, ये पहले का वैल्यू है ओरिजिनल, और यह करंट वैल्यू है, ठीक है। तो कितना कम हुआ आप, अभी कितना कम लेते हो? 1 कम लेते हो, ओके, ओरिजिनल से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली 1/6 × 100 क्यों इंटू किया, क्योंकि मुझे चाहिए परसेंटेज में, ठीक है। तो ये आपका 1/6 मतलब 16.66, तो आपका आंसर है डायरेक्टली सी, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज़ करेंगे आप प्राइस एंड कंजम्पशन का क्वेश्चन को, तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आएगा, ओके, कंडीशन क्या है, अगेन आपका जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा आपको सेम है, ओके, ये खर्चा वेरी भी होगा, हम देखेंगे आगे एग्जाम्पल्स में। तो अभी फिलहाल खर्चा अपना सेम है, एक्सपेंडिचर चेंज नहीं करना है, ठीक है, अपने को मनी सेम मिल रहा है, तो उससे ही काम चलाएंगे कुछ भी करके, ओके। अभी इधर भी देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए, अभी आप सेम वीडियो को पॉज करके ट्राई करो कंसेप्ट लगा के, कि प्राइस राइस का जो बढ़ गया है 25% बढ़ गया है, द परसेंटेज बाय विच अ हाउस होल्डर मस्ट रिड्यूस हिज कंजम्पशन, ठीक है। अगेन उसको क्या करना है, खर्चा बढ़ाना नहीं है, मतलब सेम मनी है उसके पास, ओके, सेम मनी है, तो 25% मतलब
ये हुआ मेरा 1/4, मतलब पहले 4 था अभी 5 हो गया, तो मेरा कंजम्पशन पहले 5 का 4 होने वाला है, ठीक है। कितना कम हो गया, 1 कितने पे, 5 पे, एंड परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो मिल गया मुझे 20%, ठीक है। सिंपल है बहुत। अभी जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ओके, अभी देखिए इधर क्या है, वाटर टैक्स इज इंक्रीज बाय 20%, ठीक है। वाटर टैक्स बढ़ गया, कंजम्पशन डिक्रीज बाय 20%। अभी कंजम्पशन दिया है आपको, ठीक है, पहले के टाइम कंजम्पशन दिया नहीं था तो अभी कंजम्पशन दिया है और वो डिक्रीज हो गया है, ठीक है। तो वही है, प्राइस इंक्रीज हो गया, कंजम्पशन डिक्रीज हो गया। देन द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर, अभी खर्चे में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ओके, ये अपने को फाइंड करना है। तो आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, कितना परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डिक्रीज डिक्रीज, नो चेंज, सेम है मतलब, और 4% इंक्रीज। अभी देखिए इसको कैसे करेंगे। तो अगेन जो प्राइस है मेरा इंक्रीज कितना हुआ है, 20%। 20% मतलब कितना, 1/5, मतलब पहले अगर 5 था तो अभी कितना हुआ है, 6 हुआ है, ठीक है। कंजम्पशन, कंजम्पशन कितना डिक्रीज हुआ है, 20%, 1/5, मतलब पहले अगर कंजम्पशन मेरा 5 था तो अभी मेरा कंजम्पशन हो गया है 4, राइट, 1/5। तो अभी एक्सपेंडिचर हम कैसे निकालेंगे कि टोटल 25, ओके, टोटल 25 एंड टोटल 24, ये मेरा हुआ एक्सपेंडिचर, खर्चा, ओके। अभी आपको अगर अपना एग्जाम्पल याद है स्टार्टिंग का, तो मैंने क्या बोला था, आपके पास 100 रुपीज़ है, एक 10 रुपीज़ का चॉकलेट है, और आपने कितने खरीद सकते हो, आप 100 में 10 क्वांटिटी खरीद सकते हो चॉकलेट की, ठीक है, 10 चॉकलेट्स खरीद सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट इसको ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे एक्सपेंडिचर मिल रहा है। देखिए प्राइस इंटू कंजम्पशन, ओके, ये मेरा प्राइस था, ये मेरा कंजम्पशन था, तो इसको मल्टीप्लाई किया, मुझे एक्सपेंडिचर मिल गया, ओके। इस तरीके से हम कर रहे हैं। तो मेरा खर्चा जो है पहले 25 होता था, ओके, अभी 24 हो रहा है, मतलब कम हुआ है, ओके, मतलब आंसर में डिक्रीज चाहिए मुझे, ओके, मतलब ये गया और ये भी गया, नो चेंज तो नहीं हो सकता, ओके, चेंज हो रहा है, डिक्रीज हुआ है, कितना कितना परसेंटेज, कितना, 1, ओके, ओरिजिनल पे हम कंपेयर करेंगे हमेशा, इंटू परसेंटेज में करना पड़ेगा कन्वर्ट, तो आंसर मेरा होगा 4% कम हुआ है मेरा अभी, ठीक है। प्राइस 20% बढ़ा एंड कंजम्पशन 20% घटा, इसलिए मेरा जो खर्चा है वो 4% कम हो गया है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ओके, क्यों आपको मल्टीप्लाई करना है ये मैंने आपको बता दिया, ओके। नेक्स्ट देखिए, अभी इन एग्जामिनेशन देयर वेर, अभी नया टाइप है, ओके, देयर वेर 1000 बॉयज एंड 800 गर्ल्स। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है, 60% ऑफ द बॉयज एंड 50% ऑफ गर्ल पास्ट, आपको निकलना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट फेल, ओके। इधर बहुत ध्यान देना है इस क्वेश्चन में, इधर जस्ट एक स्टार लगा के ऐसा ये नोट कर दो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा लास्ट में आपको क्या दिया है, फेल, और इधर आपको दिया है पास, ठीक है। इधर बहुत सारे कन्फ्यूज होते हैं कैंडिडेट के, और क्योंकि दोनों आंसर आपके पास रहते हैं, अगर इधर पास पूछे तो पास का भी रहेगा, फेल का भी रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको निकलना है फेल का, आपको निकलना है फेल का, तो अलर्ट रहना है इस क्वेश्चन में। अभी कैसे करेंगे, इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक परसेंटेज यूज़ करेंगे। तो 1000 बॉयज़ है, ठीक है, तो उसमें से 60% बॉयज़ एंड 50% गर्ल पास हुआ है, ओके, मतलब अगर 1000 में से 60% बॉयज़ जो है पास हुए हैं, फेल कितने होने वाले हैं, 40%, क्योंकि 100% मानते हैं हम, ठीक है। तो 40% बाय 40% मतलब 40/100 मतलब 4/10, ठीक है, प्लस 800 गर्ल्स है, 800 गर्ल्स में से 50% मतलब हाफ, ठीक है। तो मतलब इधर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, अभी इधर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, राइट, आपको पता चल गया, 800 × ½, ये आ गया मेरा। तो ये देखते हैं कितना है, 400 एंड 400, 800, तो टोटल 800 लोग जो है वो फेल हो गए हैं, ओके, ये मैंने निकाला फेल का, पास का नहीं, ये मैंने निकाला फेल का, ठीक है। तो टोटल 800 लोग फेल हो गए, टोटल कितने बनते थे, 1000 × 800 मतलब 1800, ठीक है। और ये मेरा दिख गया, इसको जरा साफ कर दो, तो ये कितना हो गया, 4/9, ठीक है, 4/9 हो गया इंटू 100, ठीक है। अभी 1/9 कितना होता है, 11.11% आपको पता है, ओके, तो 11% इंटू 4, क्योंकि 4 ऊपर है ना, 1/9 कर दिया मैंने, ये मेरा ऐसा है ना, 1/9 × 100 इंटू 4, तो 1/9 मेरा होता है, हमने याद रखा है, 11.11% इंटू 4 कर दिया, तो 44.44% आंसर मेरा हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे इसको, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो इसलिए जो कन्वर्जन स्टार्ट में किया था मैंने आपको बोला था याद रखना है, ऐसा आपको फ़ायदा होता है उसका, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हु गेट 20% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स फेल बाय 5 मार्क्स, अदर स्टूडेंट हु स्कोर 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स गेट्स 20 मार्क्स मोर देन द पास मार्क्स द नेसेसरी परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर पासिंग, ठीक है। अभी इसको लेके कैसे करेंगे हम, ओके, अभी देखिए एक एग्जामिनेशन है, ठीक है, उसमें जो है एक कैंडिडेट है, एक स्टूडेंट है, उसको 20% मैक्सिमम मार्क्स का मिलता है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स मुझे दिया नहीं है, प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करता हूँ, मैक्सिमम मार्क्स जो है हम अज्यूम करेंगे एक्स है सपोज, ठीक है, तो 20% ऑफ एक्स मिला है, 20% ऑफ एक्स, एंड वो फेल हो गया बेचारा,
ओके फेल हो गया, कितने मार्क्स से? 5 मार्क्स से। अभी देखिए उसको एग्जामिनेशन में और एग्जाम में पास होने के लिए 20% उसने निकाला, ओके मैक्सिमम में से। सपोज 100 मार्क्स का पेपर था, 20% उसको मिला, बट वो फिर भी फेल हो गया, फिर भी फेल हो गया। तो अगर उसको ये 5 मार्क मिल जाता, अगर वो ये 5 मार्क उसको मिल जाता तो +5, तो वो पास हो जाता। ये पॉइंट है, इजी पॉइंट है। अगेन एग्जामिनेशन में 20% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स उसको मिल गया है ऑलरेडी, बट वो 5 मार्क्स से फेल हो गया है। मतलब क्या, वो फेल नहीं होता तो क्या होता, पास होता ऑब्वियसली। और पास कब होता, जब उसको ये 5 मार्क मिलता, ना कि मतलब कम होता, ठीक है। सेकेंड कैंडिडेट है, उसको क्या हो रहा है, 30% उसने स्कोर किया। सेकेंड कैंडिडेट देखो, 30% उसने स्कोर किया मैक्सिमम मार्क्स का, जो कि एक्स है, और उसने 20 मार्क्स मोर देन द पास मार्क्स, ठीक है। तो जितना पासिंग के लिए रिक्वायर था उससे 20 मार्क्स वो हायर लेके आया, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, वो तो पास हुआ ही है ऑब्वियसली। और अगर ये 20 मार्क्स वो नहीं लेता, अगर ये 20 मार्क्स वो नहीं लेता तो भी पास होता, कोई प्रॉब्लम नहीं था, राइट। लेकिन उसको रैंक करना है, तो उसने मैक्सिमम मार्क्स लाए, ज़्यादा मार्क्स लाए। तो अगर उसको 20 मार्क्स से नहीं आता तो भी वो पास था, राइट, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया जो था पासिंग का उसने पास कर लिया था। इसने इसका बेचारे का 5 मार्क्स से रह गया था, ठीक है। तो दोनों केस में अभी आपका क्या है, पास आपका सेम है, ठीक है। तो इसको जस्ट इक्वल करना है क्या अपने को, तो क्या करेंगे, 20% 20% में डायरेक्ट लिख दूंगा अभी कि 1/5 होता है, तो 1/5x+5 इज इक्वल्स टू 30%, मतलब 3/10, तो 3/10x-20, ठीक है। तो जैसे अभी इसको सॉल्व करना है आपको, एक्स का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो ये 25, ये इधर एक काम करते हैं, 20 को इधर लेके आओ, तो ये 25 हो गया, ये उसको इधर लेके आओ, तो ये -1/5 हो गया। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, सेम करते हैं, ठीक है। तो इसको आ गया 1/10x, ठीक है, 1/10x, और एक्स का वैल्यू मुझे मिलता है 10, उधर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 250 मिला, ओके। अभी ये मुझे मेरा था मैक्सिमम मार्क्स, मतलब टोटल पेपर 250 मार्क्स का था। अभी इसमें अपने को क्या निकालना है, द नेसेसरी परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर पासिंग, पासिंग परसेंटेज कितना है, पासिंग कितना है। तो किसी भी एक में आप एक्स का वैल्यू पुट करो, दोनों का मीनिंग पास ही है, इसमें पास है और इसमें पास है, तो आपको पासिंग मिल जाएगा। तो ये 250 में डालता हूँ, सपोज इधर डालता हूँ 20% में, ठीक है। 20% मतलब कितना, 1/5, 1/5 × 250 कितना हुआ, 50, 50+5 55, तो मेरा आंसर हुआ 55, तो अभी इधर मुझे दिया है, परसेंटेज निकालना है अपने को, तो ये 55 आ गया। और जब नेसेसरी परसेंटेज फॉर पासिंग, मतलब 55 मुझे था ही था, कितने में से, 250 में से। तो ये मेरा सपोज इसमें अभी कैसे करेंगे हम, तो 5 5 ज़ा एंड 5 11, ठीक है, और ये 5 2 ज़ा, तो 22%, ठीक है। 22% परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया मैंने, कैसे कन्वर्ट कर दिया, जो मेरा पासिंग मार्क्स आया अपॉन टोटल मार्क्स, पासिंग अपॉन टोटल × 100, ठीक है। तो 22 मेरा आंसर है। और अगर आप इधर भी डालोगे वैल्यू 250 का, तो देखिए 30% मतलब 3/10, ठीक है। तो 10 का 1 0 और ये 0 गया, तो 3 × 25 75, 75 − 20 55, तो 55 फिर से, इस तरीके से। तो ऑप्शन में इधर आपको मार्क्स भी दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, नहीं तो परसेंटेज दे सकते हैं, थोड़ा एक स्टेप बढ़ा दिया, परसेंटेज दे दिया अपने को, ठीक है, चलेगा, कुछ नहीं निकालेंगे, सब भी निकालेंगे। तो अभी 6th क्वेश्चन देखते क्या है। अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 20%, द डिक्रीज नंबर इज देन इंक्रीज बाय 20%, द रिजल्टिंग नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 20, देन द ओरिजिनल नंबर वी हैव टू फाइंड। नाउ सी कैसे करेंगे ये, सिंपल एक मेथड आपको देता हूँ इसका। जस्ट क्या है, पहले एक नंबर जो था फर्स्ट नंबर, वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, कितने से, 20% से, ठीक है। मतलब पहले कितना था, 5 था, तो अभी 4 हो गया। द डिक्रीज नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, मतलब पहले वो 5 था, तो अभी वो 6 हो गया, इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इंक्रीज बढ़ना, डिक्रीज कम होना। द रिजल्टिंग नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 20, तो जो भी मेरा अभी रिजल्टिंग नंबर आ गया, ठीक है, जो भी मेरा रिजल्टिंग नंबर आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25 एंड 24, ठीक है। तो ये वो मेरा ओरिजिनल हुआ, ये मेरा रिजल्टिंग हुआ, इसके बाद जो होने वाला है। तो ये इसका जो गैप है दोनों का, वो कितना है, 20, क्योंकि मुझे दिया है लेस ना, लेस दिया है, तो मेरा गैप जो है वो 20 का है। तो अगर ये मेरा एक जो है, जो कि गैप मेरा एक है, ये 20 है, तो ये मेरा इधर में मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँगा और इधर में मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो जो नंबर है मेरा, ओरिजिनल नंबर मेरा 500 था, और ये सब होने के बाद, डिक्रीज इंक्रीज होने के बाद, वो जो नंबर मेरा हो गया है वो 480 हो गया है, ठीक है। और आप देख सकते हो 20 का ही इसमें गैप है, जो कि दिया है मुझे रिजल्टिंग नंबर लेस दैन 20, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है आपका, ऑब्वियसली क्या होने वाला है, ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर आपका 500 है, इस तरीके से आप करोगे। अभी और एक नया टाइप इसमें, जो आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं इलेक्शन के बेस पे। तो अभी देखिए क्या है, टू कैंडिडेट कंटेस्टेड इन इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन हो रहा है, दो कैंडिडेट है,
वन गॉट 60% ऑफ द वोट्स, एक को 60% वोट मिला, ओके, एंड वो जीत गया 1600 वोट से, 1600 वोट से वो जीत गया, ओके, किस जीत गया मतलब किससे, दूसरे कैंडिडेट से. एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ वोटर, टोटल वोट्स कितने पोल्ड हुए, ठीक है, कितने जन ने, कितने लोगों ने वोट किया. अभी देखिए इसको कैसे करेंगे. तो अगर उसको हमेशा हम क्या करते हैं परसेंटेज में 100% लेते हैं, राइट, हमेशा हम क्या करते हैं 100% लेते हैं. तो अगर 60% ने उसको वोट किया है, अगर 60% ने उसको वोट किया है तो डेफिनेटली मतलब 60% इसको मिला है तो 40% बाकी के दूसरे को मिलेगा, राइट, प्रोबेबिलिटी वही है, दूसरा कुछ नहीं ऑप्शन इधर. तो ये दूसरे कैंडिडेट को मिला. अभी इधर मुझे कह दिया है कि वो जीत गया 600 वोट से, तो दोनों का जो गैप है वो 600 वोट्स का है, ठीक है. तो अगर मैं ये गैप देखूँ तो ये मेरा है 20% और ये 20% नथिंग बट मेरा 1600 है. तो मेरा मुझे निकालना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स, मतलब हम क्या मानते हैं 100%. तो 100% हमारा कितना होगा, ये देखिए इधर से सिंपल हो रहा है, इंटू फाइव, ठीक है. तो 16 × 5 = 80, आंसर इज 8000, ठीक है. और ऐसे भी आप इधर भी अच्छे से कर सकते हो, इंटू 80 लो, ठीक है, 10 है तो इधर भी 80, 1 2 3, ओके, इस तरीके से आप कर सकते हो कैसे भी. तो इजी क्वेश्चन रहेंगे, जस्ट आपको यही इसमें आइडेंटिफाई करना है कि एक को कितना मिला और दूसरे को कितना मिला, बस इतना ही करना है, ठीक है. अभी इसमें देखते हैं वैरायटी कैसे आती है. तो 2-3 प्रकार के वैरायटी इसमें है, ओके. 8% ऑफ द वोटर्स इन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट, ठीक है. तो अभी क्या दिया है, 8% लोगों ने वोट नहीं दिया. इन दिस इलेक्शन देयर वेर ओनली 2 कैंडिडेट, अगेन 2 कैंडिडेट है. द विनर वर ऑब्टेनिंग 48% ऑफ टोटल वोट, डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट बाय 1100 वोट्स, ठीक है. अभी क्या हो रहा है, 48% एक को मिला है 48%, और उसने डिफीट किया है दूसरे को कितने वोट से, 1100 से, ठीक है. द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन, तो टोटल कितने जन ने वोट किया था. अभी देखिए इसमें कैसे करेंगे. अभी 100% में से, ओके, 8% लोगों ने वोट ही नहीं किया, 100% उसने सपोज रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन 8% ने नहीं किया, वो नहीं गए. तो अभी क्या हुआ है इधर, फिर अपने बचे कितने, 92%, ओके, टोटल 92% वोट बचे. और इन 92% में से जो कैंडिडेट है एक को मिले 48%, जो जीत गया तो ऑब्वियसली दूसरे को कितने मिलेंगे, 44%. देखो ऐड कर दो, 92 आएगा आपका, ठीक है, 92 आएगा. तो इन दोनों का गैप कितना है, अगेन 1100 का वोट, ओके, 1100 का वोट का गैप है. और ये परसेंटेज में कितना है, 4% का गैप है. तो ये 4% मतलब 1100 हो गया. तो मुझे निकालना था 100, ठीक है, तो 100%, तो 100% मेरा कितना होगा, देखिए इधर जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, 25 × 4 = 100 होता है. तो इधर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 25 और अपना 27500, ठीक है. तो टोटल वोटिंग हुई है 27500 की, आंसर 27500 की आपकी वोटिंग हुई है, ठीक है. तो इस तरीके से आप करोगे अच्छे से, ओके. अभी ये देखो क्वेश्चन 9th, इन एन असेंबली इलेक्शन अ कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, ओके. इस पे याद रखो कि टोटल वैलिड वोट मतलब जो वैलिड वोट है, ओके, प्रॉपर वोट है. 2% ऑफ द टोटल वोट्स वेयर डिक्लेयर इनवैलिड, टोटल वोट का 2% जो है वो इनवैलिड था, ओके. इफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इज 1,04,000, अभी वैल्यू दिया है आपको, टोटल वोट्स आपको दिए हैं 1,04,000, देन आपको निकालना है नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, ओके, पोल्ड इन फेवर ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब कितने वैलिड वोट्स कैंडिडेट के फेवर में पोल हुए, ठीक है, ये आपको निकालना है. अभी देखो इसको कैसे करेंगे. तो सबसे पहले अभी जब भी मुझे टोटल दिया है तो आराम से हम कर सकते हैं, ईजी होता है अपने लिए, टोटल मिलेगा तो, ठीक है, क्योंकि ये टोटल हुआ वोटिंग, ओके, इतने वोटर्स है, इसमें से 2% वोट मेरे इनवैलिड है, ओके, 2% गए, मतलब कितने बचे, 98% बचे, ओके. और इन 98% में से 55% लोगों ने, जो अपना कैंडिडेट है वो जीत गया, उसको वोट किया है, तो ये 55% हो गया, ठीक है. तो जस्ट यही निकालना था, देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन द फेवर ऑफ कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट को मिले. तो अभी इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो 98/100 होगा, ठीक है, ये 2 0 इधर से गए, 55/100 होगा अगेन, तो इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर देते हैं हम, तो ये आपका होगा 11/20, ठीक है, और 20 का एक और 0 इधर से गया, तो 104 और ये 2 है, तो इसको भी क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो इसको 49 बना देता हूँ मैं, ओके, 49 बना दिया. अभी क्या है अपने पास, 104 × 49 × 11, ओके, 11 को टच मत करो, जस्ट इधर अभी मल्टीप्लिकेशन करना है अपने को, ठीक है. तो इसमें से क्या कर सकते हैं, एक तो इसको 49 को डिवाइड कर सकते हो 7 में इस तरीके से, ओके, डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ऐसे डिवाइड कर दिया आपने तो 7 × 4 = 28, और ऐसे फिर से 7 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो आपका 5096, ठीक है. और 5096 में आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है 11, तो आपको बताया मैंने 11 का टेक्निक क्या है. एक तो फर्स्ट नंबर वैसे कैसे लिखो,
लास्ट नंबर वैसे का वैसे लिखो, ओके फर्स्ट इनका अभी एडिशन करेंगे, 9 + 6 का, 9 + 6 का एडिशन कितना हो गया आपका 15, ठीक है। तो एक मेरा आ गया इधर 5, ऊपर बचा मेरा 1, ठीक है, उसको इधर नहीं लिखना है, ऊपर लिखना है। अभी देखो इसका एडिशन करो, 0 + 9 का, 0 + 9 कितना होता है, 9 + 0 9 और 9 + 1 10, ओके अगेन मेरा 1 आ गया ऊपर। अभी इसका करो 50, तो 5 + 0 5, 5 + 1 6, ओके तो 56 मेरा आंसर है, तो डी डी है अपना करेक्ट आंसर। ओके 10 क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट ने शुगर का जो प्राइस है वो कम कर दिया, कितना 10% से, ठीक है। बाय दिस अभी प्राइस कम हो गया तो अपने पास सेम पैसा है तो हम ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है। तो वही हुआ, एक कंज्यूमर है जिसके पास 837 रुपीज़ था, ओके तो वो 6.2 kg शुगर उसको अभी ज़्यादा ले सकता है वो, क्योंकि प्राइस कम हुआ ना। तो अपने को निकालना है रिड्यूस प्राइस पर केजी, ठीक है। तो पर केजी कितना प्राइस कम हुआ अपने को ये निकालना है, ठीक है। तो अभी पर केजी अपने को प्राइस निकालना है कम कितना हुआ, तो उसके लिए अपने को निकालना होगा कि टोटल कितना उसने कंज्यूम किया, कितना लिया उसने 837 रुपीज़ में, कितना लिया, फिर हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जितना भी केजी शुगर उसने लिया वो केजी अगर मुझे मिल गया तो जस्ट मैं इस रुपीज़ को केजी से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पर केजी मिलेगा, ओके ये तो सिंपल है। तो वही रूल अपना अप्लाई करते हैं इधर, जब प्राइस मेरा था डिक्रीज हुआ, मतलब पहले 10 था, ओके 10% मतलब क्या 1/10, तो पहले मेरा 10 था तो अभी मेरा हुआ 9, ठीक है। तो कंजम्पशन क्या होने वाला है, 9 and 10, कंजम्पशन मेरा होने वाला है 9 and 10। अभी देखिए अभी इधर क्या हो रहा है, पहले वो 9 लेता था, 9 शुगर लेता सपोज, अभी 10 ले रहा है क्योंकि प्राइस कम हुआ, ठीक है। और ये जो गैप है ये कितना ले रहा है एक्स्ट्रा, अभी उसको मिल रहा है 6.2 kg, ठीक है। तो अगर एक ये 6.2 kg उसको मिल रहा है तो 10 × 6.2 kg मतलब उसको 62 kg वो ले रहा है अभी टोटल, ठीक है। पहले वो कितना लेता देखिए, तो 9 × 2 = 18 और ये आपका हो गया 55.8 kg पहले लेता था वो, ओके 55.8 kg पहले लेता था, अभी 6.2 है उसको एक्स्ट्रा मिल गया तो 62 kg वो टोटल ले रहा है। कितने रुपए में ले रहा है, 837 रुपये में। तो 837 में अगर 67 में डिवाइड कर दो, ठीक है, ये यही हुआ कि अगर 62 kg का प्राइस है 837 तो 1 kg का प्राइस कितना है, ओके ऐसे ही हुआ। तो जैसे अभी इधर देखो तो 61 = 83 है, ठीक है। तो 61 + 62 वनजा हम करेंगे, ऑप्शन में देखूंगा 1 है सभी को, ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा। कितना बचा अभी इधर, 1 and 2 21 बचा, ठीक है, और ये 7 आ गया। अभी देखिए इधर 21 है, अगर मैं 6 × 3 करता हूँ, ओके 6 × 3 करता हूँ तो 18 आता है, तो हम करेंगे 6 × 3 तो कितना होगा, 3 × 2 = 6 and 18, ओके तो लगभग मेरा 1 और इधर से 21 में से 18 गया 3, 31 बचा। अभी पॉइंट लेना पड़ेगा, मतलब 0 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 ऐड हुआ इधर, 310 हुआ। अभी मल्टीप्लाई करूँगा 5 से, तो अपना ऑप्शन जो है 13.50, ठीक है। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जैसे ऑप्शन देखते देखते क्विकली कर दो, तो आपका ऑप्शन हुआ, आंसर हुआ 13.50, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है इस क्वेश्चन को, सभी इजी है, सब इस पे ही डिपेंड है कि उसने कितना कंज्यूम किया, ये आपको निकालना है, कितना पहले करता था अभी कितना कर रहा है। अभी ऐसा प्राइस में भी हो सकता है, तो आपको पहले कितना पे करना पड़ता था अभी कितना पे करना पड़ता है ये भी आ सकता है, ओके बहुत सारी वैरायटीज़ में, तो अभी आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन इस टाइप के आपके क्यू बॉक्स में रहेंगे, तो जस्ट थोड़ा वेट करो अभी, क्योंकि आपका जो पूरा पैकेज है पूरा बन रहा है, ओके जब बनेगा अनाउंसमेंट कर दूंगा और तब आप प्रॉपरली उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये था आपका आज का क्लास न्यूमेरिकल एबिलिटी का, अभी मिल देंगे 2 बजे, ओके आज जनरल साइंस देखने वाले हैं, साइंस के क्वेश्चन देखने वाले, तो तब तक प्रॉपर रिवाइज करो, ओके और परसेंटेज में देखूंगा, अभी कुछ हो तो नहीं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम मूव करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ रुकते हैं एंड ऑल द बेस्ट।